आपका शरीर जिंदगी भर स्वस्थ रहेगा, आपको बोलने में दिक्कत नहीं होगी और ज्यादा पसीना भी नहीं आएगा, आपको गले में कफ भी नहीं होंगे। बस आपको महात्मा गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले बताए भोजन के ये नियम अपने जिंदगी में अपनाने होंगे। हम आज के इस विषय पर आपको एक कहानी के माध्यम से जानकारी देंगे, तो चलिए उस कहानी की शुरुआत करते हैं। हिमालय की तलहटी में एक आर्ष मुनि अपनी कुटिया में रहते थे। वे पुराने भारतीय आयुर्वेद और योग के विशेषज्ञ थे। लोग दूर दूर से अपना इलाज कराने आते थे। आर्षी आयुर्वेदिक पद्धति और योग से बीमारियों का इलाज करते थे और अधिकांश रोगियों के रोगों को जड़ से खत्म कर देते थे। ऐसे ही एक दिन ऋषि के आश्रम में एक व्यक्ति आता है और कहता है कि मुनिवर, मैं पास के गांव का जमींदार हूं। मेरा काम ऐसा है कि मुझे दिन में ज्यादातर समय बैठे रहना पड़ता है। अधिक शारीरिक श्रम न करने के कारण मेरा मोटापा बहुत बढ़ गया है और तरह तरह की बीमारियों ने मेरे शरीर में घर बना लिया है। मेरे पास घर पर खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट खाना होता है, लेकिन मैं उसे खा नहीं पाता। अब मेरा मोटापा इतना बढ़ गया है कि मुझे उठने बैठने और चलने फिरने में भी परेशानी होती है। इसलिए क्या आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे बिना मेहनत किए भी मैं अपने शरीर को स्वस्थ रख सकूं और इन सभी बीमारियों से छुटकारा पा सकूं? ऋषि ने कहा कि ऐसा भी एक तरीका है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकालना होगा, और जैसे जैसे आपके शरीर से गंदगी बाहर निकलेगी और आपका शरीर अंदर से साफ हो जाएगा, तो आपका वजन अपने आप कम होने लगेगा, त्वचा साफ हो जाएगी और आप खुद को पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि जब हम कुछ खाते हैं तो जब वह हमारे शरीर के अंदर जाता है तो उसका क्या होता है। सबसे पहले भोजन हमारे पेट में जाता है, जहां वह टूट जाता है, फिर हमारी छोटी आंत में जाता है, जहां से हमारा शरीर भोजन के आवश्यक तत्वों को अवशोषित करता है, फिर बड़ी आंत के माध्यम से यह शरीर से मल के रूप में बाहर निकल जाता है। लेकिन क्या हर प्रकार के भोजन को चक्र पूरा करने में समान समय लग सकता है? किसी भी फल को लगभग 3 घंटे लगते हैं, हमारे पेट में 1 घंटा, छोटी आंत में 1 घंटा और बड़ी आंत में 1 घंटा, सब्जियों को उसी अनुपात में 6 घंटे लगते हैं और गढ़वाले अनाज जैसे गेहूं, चावल और दालों से बने उत्पाद को लगभग 18 घंटे लगते हैं। इस चक्र को पूरा करें, यानी कि जिस भोजन में पानी जितना कम होगा उस भोजन को शरीर से निकलने में उतना ही अधिक समय लगेगा। जमींदार ने कहा, मुनिवर, जैसा कि आपने कहा था कि शरीर से अनाज को पूरी तरह से खत्म करने में 18 घंटे लगते हैं, लेकिन मैं अनाज को 3 से 4 बार खाता हूं। एक दिन ऋषि ने कहा, यह वह जगह है जहां आप गलती कर रहे हैं। पिछला भोजन पच नहीं पाता है और आप अधिक डाल देते हैं, परिणाम स्वरूप पिछला भोजन पूरी तरह से अपशिष्ट के रूप में बाहर नहीं निकलता है, यह अंदर सड़ता रहता है और फंगस और कीड़े पैदा करता है। साधु ने जमींदार की ओर देखा और कहा कि तुमने लोगों के पेट में कीड़े होने के बारे में सुना होगा कि वे कीड़े कहां से आते हैं। वे कीड़े इस आधे पचे और सड़े हुए भोजन से पैदा होते हैं जो हमारी आंतों में चिपक जाते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आपने कल जो खाना खाया आपकी आंतों में गंदगी के रूप में फंसा हो सकता है कि 1 साल पहले खाए गए भोजन का कुछ हिस्सा अभी भी आपकी आंतों में गंदगी के रूप में फंसा हो। ऐसा कुछ भी जो हमें सीधे प्रकृति से नहीं मिल सकता, इसे पचाना और बाहर निकालना शरीर के लिए बहुत मुश्किल होता है और फिर ऐसा भोजन हमारी आंतों में चिपक जाता है और एक मोटी परत बना लेता है। देखिए, हम जो भी खाते हैं वह हमारी आंतों की दीवारों के माध्यम से पचता और अवशोषित होता है और फिर हमारे रक्त में भेज दिया जाता है। लेकिन अगर गंदगी हमारी आंतों की दीवार में जमा हो जाती है तो भोजन के रस के साथ वह गंदगी भी अवशोषित हो जाती है और हमारे रक्त में मिल जाती है और फिर रक्त के माध्यम से हमारे शरीर के सभी हिस्सों में पहुंच जाती है और उनके काम में बाधा डालती है और अलग अलग बीमारियों का नाम दे देते हैं इस बाधा को। अगर यह गंदगी हमारी त्वचा की परतों के बीच जमा हो जाए तो हम कहते हैं कि यह मुंहासे या त्वचा रोग है। अगर यह गंदगी गांठ बन गई है, हमारी किडनी या पेट के किसी हिस्से में जमा हो गई है, तो इसे हम कैलकुलस मोटापा कहते हैं। ठीक उसी तरह अगर आपको वजन कम करना है तो इस गंदगी को शरीर से बाहर निकालना होगा। हमारी आंतों में बहुत मोटी परत होती है तो उसे हम कब्ज कहते हैं और कब्ज ही सभी रोगों की जड़ है। इसी प्रकार जब यह गंदगी हमारी श्वासनली में जमा हो जाती फिर हम इसे अस्थमा कहते हैं। तो असल में कहने का मतलब यह है कि यह गंदगी ही हमारे शरीर की सभी बीमारियों की जड़ है।
और अगर हम इस गंदगी को शरीर से बाहर निकाल दें तो हम अपनी सभी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि जो शरीर अंदर से साफ है उसे कोई बीमारी नहीं हो सकती है। ऋषि ने अपने शरीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि हमारा यह शरीर एक आदर्श डिजाइन और एक है प्रकृति का अनमोल उपहार है। कुछ समय बाद हम अपने शरीर को मां प्रकृति को लौटा देंगे, इसलिए हम सभी की जिम्मेदारी है कि जब तक हमारे पास यह शरीर है हम इसे स्वच्छ और स्वस्थ रखें और इसे वैसे ही वापस दें जैसे मां प्रकृति ने हमें दिया है। ऋषि ने आगे कहा कि इंसानों ने प्राकृतिक भोजन किया है, पदार्थ लाखों वर्षों तक सीधे रहते हैं, इसलिए मानव पाचन तंत्र भी उसी के अनुसार विकसित हुआ, यानी हमारा शरीर कच्चे प्राकृतिक पदार्थों के लिए बना है, लेकिन अपने स्वाद के चक्कर में हमने इसमें ढेर सारी गंदगी डालनी शुरू कर दी है। तो आपका पहला काम इस गंदगी को शरीर से बाहर निकालना है, और फिर दूसरी बात यह है कि इसमें सही खाना डाला जाए। लेकिन मकान मालिक ने कहा, लेकिन मुनिवर शरीर से गंदगी कैसे बाहर निकालें? ऋषि ने कहा कि इसके लिए सबसे पहले आपको दिन में 16 घंटे का उपवास करना होगा। ऋषि ने जमींदार की ओर देखा और कहा, 16 घंटे का नाम सुनकर डर मत जाना, उपवास आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए, वह शक्ति जो हमारे शरीर के अंदर से गंदगी को बाहर निकालती है, वह वजन कम करेगी, बीमारी को ठीक करेगी, वह हमारे अंदर है। यह किसी दवा या दवा में नहीं है, और उपवास करके हम उस शक्ति को अपना काम करने के लिए समय देते हैं। देखो, जब एक आदमी की हड्डी टूट जाती है तो हम उस हड्डी को आराम देने के लिए उसे बाहर से बांध देते हैं ताकि वह हड्डी अपनी जगह पर रहे, और कुछ दिनों के बाद वह हड्डी अपने आप जुड़ जाती है। ऐसा नहीं था कि हमने उस हड्डी को जोड़ने के लिए उस पर कोई दवा लगाई थी, तो फिर उस हड्डी को किसने जोड़ा? यह हमारे भीतर की जीवन शक्ति को जोड़ती है। यह जीवन शक्ति बहुत मजबूत है। सोचिए, अगर यह जीवन शक्ति हमारी हड्डियों को जोड़ सकती है तो क्या यह हमारे अंदर की गंदगी को बाहर नहीं निकाल सकती है? क्या यह पत्थर को नहीं तोड़ सकती है? निश्चित रूप से यह ऐसा कर सकती है। जब जीवन शक्ति ने अपना काम करना शुरू कर दिया है तो यह किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, चाहे बीमारी कहीं भी हो और कितनी भी पुरानी हो। सबसे पहले आप यह समझ लें कि जीवन शक्ति कैसे काम करती है। जीवन शक्ति एक समय में एक ही काम अच्छे तरीके से कर सकती है, या तो भोजन पचाने का काम, या फिर काम पचाने का काम, आंतरिक मरम्मत का या शरीर का उपचार। लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग हर समय खाते रहते हैं और इस जीवन शक्ति को अपना दूसरा काम करने के लिए समय नहीं देते, क्योंकि जैसे ही भोजन हमारे अंदर जाता है जीवन शक्ति उस भोजन को पचाना शुरू कर देती है। हमने सुबह नाश्ता किया, जीवन शक्ति इसे ठीक से पचा नहीं पाती, और हमने दोपहर का खाना खा लिया, वह भी पचता नहीं, और हमने शाम को फिर खा लिया, वह भी नहीं पचता, और हमने रात का खाना खा लिया। इस प्रकार प्राण शक्ति 24 घंटे सातों दिन रात भोजन पचाने में लगी रहती है। उसे कभी भी शरीर की बीमारियों को ठीक करने और शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकालने का मौका नहीं मिलता। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि जीवन शक्ति हमारे शरीर पर अपना कार्य करे तो हमें उसे प्रतिदिन कुछ समय के लिए भोजन पचाने के कार्य से मुक्त रखना होगा, और हम 16 घंटे का उपवास करके ऐसा कर सकते हैं। अगर आप रात का खाना 8 बजे खाते हैं तो कोशिश करें कि 12 बजे तक कुछ भी ना खाएं। यदि आप 12 बजे तक भूखे नहीं रह सकते तो आप अपने सुबह के नाश्ते में थोड़ा सा जूस या नारियल पानी ले सकते हैं। यदि आपका काम ऐसा है कि आपको 12 बजे से पहले खाना खाना, तो आप जल्दी से डिनर कर सकते हैं, जैसे कि शाम को 6 बजे, फिर आप अपना खाना सुबह 10 बजे के बाद खा सकते हैं। आपने सुना होगा कि हमारे पूर्वज सूरज डूबने से पहले अपना डिनर कर लेते थे। वैसे वे ऐसा इसलिए करते थे ताकि भोजन पचाने के बाद जीवन शक्ति को शरीर को स्वस्थ करने के लिए भी कुछ समय मिल सके। मान लीजिए आपने शाम को 6 बजे अपना डिनर कर लिया है, और अगर आपका खाना हल्का है तो रात 2 बजे तक यह आसानी से पच जाएगा। उसके बाद 2 बजे से सुबह 10 बजे तक, यानी 8 घंटे का समय फ्री मिलेगा जीवन शक्ति को काम करने के लिए। यदि आप 30 दिनों तक इस नियम का पालन करते हैं तो यह समय 240 घंटे हो जाएगा, और एक वर्ष में यह समय बढ़कर 2880 घंटे हो जाएगा। यानी एक वर्ष में हमारी जीवन शक्ति को हमारे शरीर को ठीक करने और आंतरिक रूप से मरम्मत करने के लिए 2880 घंटे मिलेंगे। प्राण शक्ति हमारी आंतों में जमा गंदगी को बाहर निकालेगी, पत्थरी को तोड़ेगी और खन को साफ करेगी, और सांस की नली में जमा गंदगी को बाहर निकालेगी। इस समय में प्राण शक्ति किसी भी गंदगी को, किसी भी बीमारी को दूर कर सकती, यानी शरीर से बाहर निकाल सकती है। लेकिन आजकल लोग सोचते हैं कि अगर वे उपवास करेंगे तो कमजोर हो जाएंगे।
लेकिन ऐसा नहीं है। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के पास भोजन की निरंतरता नहीं थी, कई बार उन्हें कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। तो इस तरह से मानव शरीर का विकास हुआ है कि उसे समय समय पर उपवास करने की आदत होती है। अजीब बात यह है कि हम हमेशा कुछ न कुछ खाते रहते हैं। हमारे कुछ बौद्धिक पूर्वजों ने इस बात को समझा था कि यदि किसी व्यक्ति को उपवास करने के लिए कहा जाए तो वह उपवास नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने उपवास को जोड़ दिया है हमारे धर्म और रीति रिवाजों के साथ, ताकि लोग समय समय पर उपवास रखें। उपवास के दौरान हमारी जीवन शक्ति शरीर के हर हिस्से तक पहुंचती है। ये शरीर में जमा गंदगी को मल, मूत्र, खांसी और पसीने के रूप में बाहर निकालती है। ऋषि ने मकान मालिक से कहा कि एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि रात का खाना हमेशा हल्का होना चाहिए, और अगर आप अभी 16 घंटे तक उपवास नहीं कर सकते हैं तो आप 14 घंटे से शुरू करें और इसे धीरे धीरे 16 घंटे तक ले जाएं। पहले तो आपको यह मुश्किल लगेगा, फिर धीरे धीरे यह आपकी आदत का हिस्सा बन जाएगा। ऋषि ने एक और तरीका बताया है जिसके द्वारा आप अपने शरीर से गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं, वह है शरीर की मालिश और पसीने के माध्यम से। जब हम सप्ताह में कम से कम 3 बार तेल से शरीर की अच्छी मालिश करते हैं तो इससे हमारा रक्त तेजी से चलता है और यह रक्त उसके साथ चलता है, नसों में जमा अपशिष्ट को गुर्दे तक ले जाता है जहां से इस अपशिष्ट को हटा दिया जाता है पेशाब के जरिए शरीर से बाहर। इसी तरह जब कोई व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है तो उसके शरीर में जमा गंदगी और चर्बी पसीने के रूप में बाहर निकलती है। ऋषि ने आगे कहा कि स्वस्थ रहने के लिए शरीर से गंदगी निकालने के लिए सही आहार लेना जरूरी है। अब मैं आपको भोजन के 3 नियमों के बारे में बताने जा रहा हूं। पहला नियम है, अपने आहार में 40-50% सजीव भोजन शामिल करें, चाहे वह फल हो, हरी सब्जियां हो, सूखे मेवे हो या अंकुरित अनाज हो। कुल मिलाकर इसे पकाया नहीं जाना चाहिए। ज्यादातर लोग मृत भोजन खाते हैं और फिर स्वस्थ रहने की उम्मीद करते हैं। मृत भोजन खाने का मतलब है कि हम किसी मृत चीज से जीवन निकाल रहे हैं, इसलिए इसमें कुछ लगेगा। हमारे शरीर से ऊर्जा निकलती है तो ये हमें ऊर्जा देती है। भोजन को पचाने के लिए आवश्यक सभी पाचक रस न केवल शरीर में पाए जाते हैं बल्कि उस भोजन में भी पाए जाते हैं, लेकिन जब हम उस भोजन को पकाते हैं तो उसमें से बहुत से पाचक रस नष्ट हो जाते हैं, और जब हम बिना पाचक रसों के खाना खाते हैं तो हमारे शरीर को उन सभी पाचक रसों को दोबारा बनाना पड़ता है जो नष्ट हो गए हैं। लेकिन किसी व्यक्ति का पाचन तंत्र कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह उन सभी पाचक रसों को दोबारा नहीं बना सकता जो नकष्ट हो गए हैं। इन्हें कुछ हद तक बनाएं, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम है, शुद्ध शाकाहारी भोजन खाएं, यानी जो भोजन पेड़ों से मिलता है, जानवरों से नहीं। मांस, मछली, अंडा ना खाएं। प्रकृति ने हमारे शरीर को जानवरों को खाने के लिए नहीं बनाया है। तीसरा नियम है, बासी भोजन या लंबे समय तक रखा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। 17वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भोजन पकाया जाता है उसे पकाने के 3 घंटे के भीतर ही खा लेना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे के बाद वह भोजन तामसिक हो जाता है और उसमें से जीवन समाप्त होने लगता है। इसीलिए भारतीय यौगिक संस्कृति में पका हुआ भोजन किया जाता है। 3 घंटे से ज्यादा रखा तो खाए नहीं। हमारे पूर्वजों ने भी इसी नियम का पालन किया था, इसलिए खाना सीधे चूल्हे से उनकी थाली में आ जाता था। लेकिन आजकल ज्यादातर लोग सुबह का खाना शाम को खाते हैं और रात का बचा हुआ खाना सुबह खाते हैं और कई बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। ऋषि ने जमींदार के चेहरे की ओर देखा और कहा कि यदि तुम नियमों का पालन करोगे तो तुम्हारी बीमारी भी ठीक हो जाएगी और तुम भी ठीक हो जाओगे। तो दोस्तों, आप भी स्वस्थ रहे और कभी बीमार न पड़े। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।